बोलो बच्चों, कक्षा 11 फिजिक्स में देखे वेग ग्राफ द्वारा समय वेग जानना, त्वरण जानना और किसी वस्तु के चार या उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारियां रख सकते हैं। तो आपको ये अंतिम वेग समय ग्राफ के बारे में बता रहे हैं। इसमें कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है ना, यदि कोई वस्तु प्रारंभिक समय के दौरान कितनी दूरी चली और अगले समय कितनी दूरी तय की, तो उसके द्वारा क्षैतिज तय की गई दूरी है ना, क्षैतिज दूरी को हम समय से दिखाते हैं और वेग को ऊर्ध्वाधर से। यहाँ पे फिर देखिए ऊर्ध्वाधर जो होगा वेग होगा, क्षैतिज जो होगा टाइम होगी। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को भूमि यदि माप लें तो उसके द्वारा हमारा त्वरण ज्ञात हो जाएगा। इसमें परिभाषा में लिखा है वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करने के लिए झुकी हुई रेखा, यानी एबी की बात कर रहा है, चाहे ओसी की बात कर लीजिए है ना, एसी या ओसी, तो करा झुकी हुई रेखा का ढलान ज्ञात कर देने से हमें क्या होगा, त्वरण ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हम माना, हमने क्या किया, मान लिया कि एक्स एक्स के सापेक्ष टाइम को ले लिया, वाई एक्स के सापेक्ष वेग को ले लिया। ठीक, अब हम किसी समय किसी वस्तु का वेग v1 है तो समय क्या है v1। ठीक है, यहां बताए आपको कि मान लिया वस्तु चलना शुरू किया, कोई टाइम शून्य है, वस्तु रुकी हुई है, जब यह वस्तु में वेग v1 हो गया टाइम उस समय v1 हो गया, हम देखेंगे तो बनाएगा क्या हो जाएगा। अब किसी क्षण या किसी समय t2 समय पर उसका वेग क्या हो गया है, v2 हो गया है। तो यहां से जो आकृति प्राप्त हुई है अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनमें इतना वेग परिवर्तन हुआ है और इसमें इतना समय परिवर्तन हुआ है, तो वेग परिवर्तन जानते हैं v2 - v1 कर लेंगे अर्थात डेल्टा v, और डेल्टा v को दिखा सकते हैं ये, इनमें इतना परिवर्तन हुआ है bc परिवर्तन क्या हुआ है, bc परिवर्तन हुआ है और समय क्या होगा t2 - t1 कर देंगे ये डेल्टा t क्या होगा हमारा परिवर्तन होगा, जिसको हम ab कर लें या a' b' कर सकते हैं, तो इसको ये कहेंगे। अब हम आ जाएंगे कि त्वरण की परिभाषा बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि वेग परिवर्तन बटे समय का, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ है डेल्टा t हुआ है और समय परिवर्तन कितना हुआ है डेल्टा t, तो डेल्टा b / डेल्टा t या इसको हम bc / ab कर सकते हैं। तो आप AC की दूरी को माप करके आप त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ग्राफ विधि द्वारा गति के समीकरण को ज्ञात करना। ठीक, तो यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान कोण से चल रही है तो उसके द्वारा गति में प्रारंभिक गति, अंतिम गति, समय और विस्थापन